हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज घर और किचन के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि जो वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला ट्रिप मेरा इस तरह से डिब्बे को लेके हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह से डिब्बे में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। काजू कतली हो गया और काफ़ी इस तरह से बत्तीसा वगैरह भी आते हैं इस तरह से डिब्बे में। तो इस तरह का डिब्बा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा होता है कि कहीं हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से जब हम मैचिंग की चूड़ियाँ ले जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से रखते हैं तो टूट जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से डिब्बे हैं ना, तो इस डिब्बे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ आराम से अच्छी तरह से इस तरह से डिब्बे में पैक करके आप ले जा सकते हैं और बिल्कुल ही आपकी चूड़ियाँ सेफ भी रहेगी। इसमें काफ़ी सारा सामान भी आप ले जा सकते हैं और टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो डिब्बे आते हैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। देखिए, काफ़ी काम आते हैं इस तरह से डिब्बे। आप अपने मेकअप के सामान भी रख सकते हैं ऐसे डिब्बे में। जो हम चिटपिट इस तरह से नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह ले जाते हैं, हम खुले में ले जाते हैं तो हमें अलग अलग ढूंढना पड़ता है। अगर हम बैग में भी इस तरह से डाल लेते हैं तो हमें टटोलना पड़ता है कि कौन सा कलर चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से डिब्बे में रखेंगे, हमें जो भी कलर चाहिए हम बहुत आसानी और इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम डिब्बे रख लेंगे अपने बैग में, कहीं भी ज़रूरत हमें अगर मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से डिब्बे निकाल लेंगे। तो दोस्तों, उसी डिब्बे का एक और ट्रिक है इस तरह से कि देखिए, इस तरह से डिब्बे बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे घर में बड़े हो या छोटे हो, इस तरह से क्या करते हैं कि मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से हम कहीं सफ़र में भी जाते हैं तो इस तरह से हमें ये जो मोबाइल लीड होता है और इस तरह से जो चार्जर होता है, हम क्या करते हैं इस तरह से बैग में डाल लेते हैं। अगर 2 से 3 इस तरह से मोबाइल का ये जो चार्जर होता है तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। एयरफोन हो गया, इस तरह से हम इकट्ठा करने के बाद रबड़ लगा लेंगे। तो इसी तरह से सारे इस तरह से जो तार है सारे को इकट्ठा कर लेंगे हम। तो दोस्तों, ऐसा होता है हम कहीं लंबे सफ़र जा रहे हैं, अगर 2 से 3 मेंबर हमारे साथ रहते हैं तो इस तरह से हमारे 2 से 3 चार्जर भी हो जाता है और हेडफोन भी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है हम कभी यूज भी नहीं करते हैं तो हम इसको इस तरह से रख देते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से डिब्बे अगर है आपके घर में तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बिल्कुल भी इसको फेंकिएगा नहीं। और ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब हम लंबे सफ़र में जाते हैं ना तो इस तरह से हमारी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। इतने महंगे लीड आते हैं, चार्जर आते हैं, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे सेफ्टी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो डिब्बे हैं ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसे भी डिब्बे हैं ना आप उसमें रख सकते हैं, बिल्कुल भी इस तरह से आपका सामान भी सेफ्टी रहेगा और बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक और छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है, तो देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों, अगला ट्रिक मेरा इस तरह से बॉटल को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से बॉटल हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम कबाड़ से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह से, एक मेरे पास ये पेचकस है, ये ख़राब है, तो मैंने इसको गर्म करके इस तरह से मैं बॉटलों में हॉल कर लेती हूँ। तो देखिए, आमने सामने होल करना है, मैं तो आमने सामने कर रही हूँ। अगर बड़ी बोतल है तो और ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का आइडिया है। दोस्तों, मैंने होल कर लिया है और इस तरह से क्या होता है कि ये जो पेंसिल हो गया या पेन हो गया, तो दोस्तों आप दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इस साइज़ की कोई आपके पास लकड़ी है तो आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और इसको कलर भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं पेंसिल है मेरे पास, तो मैं पेंसिल का ही ट्रिक बता रही हूँ। पेंसिल इसमें एक सस्ती भी आती है, कच्ची भी आती है, तो उसको बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका इस तरह से ड्राइंग वगैरह अच्छा है तो आप बॉटल पर भी डेकोरेट कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए, इस तरह से पेंसिल को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है और आमने सामने होल करेंगे तो बहुत ही कमाल का आइडिया है ये। तो दोस्तों, ये छोटा मोटा ट्रिक हम मार्केट में लेने जाते हैं तो 1000-1200 से बिल्कुल भी कम नहीं आता है और देखने में भी काफ़ी ये परफेक्ट है।
तो चलिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसमें कुछ भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं, चाबी हो गया, चूड़ी हो गया, इस तरह से दोस्तों छोटे मोटे बिल्कुल इस तरह से हैंग कर सकते हैं। कैसा ऐसा होता है कि हम किचन वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, हम चूड़ियाँ वगैरह पहने रहते हैं, हम निकाल के ऐसे ही रख देते हैं तो हमारा टूटने का भी डर रहता है और कड़े वगैरह भी। तो दोस्तों एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजर इस तरह से आप अपने किचन में बना के रख लीजिए। जब भी हम अपने हाथों से आटा वगैरह लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि चूड़ियों को कहाँ रखें, तो जहाँ भी आपको सेफ लगे, सही लगे, आप वहाँ पर अपनी चूड़ियों की इस तरह से चूड़ी स्टैंड बना के आप इसमें चूड़ियाँ हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें चूड़ियाँ भी हैंग कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान कई रूप में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ड्राइंग वगैरह आती है तो आप बोतल पे भी इसका डेकोरेट अच्छी तरह से करके बहुत काफ़ी सुंदर अपने घर में ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक कटोरी ले लिया है, जो कटोरी आप इस्तेमाल नहीं करते वही कटोरी लीजिएगा, और मैंने ले लिया है इस तरह से डबल टेप। तो देखिए डबल टेप मैंने कटोरी पर दोनों तरफ से चिपका दिया है। अब मुझे करना क्या है, इस तरह से ये जो बॉटल है मैं इसके ऊपर बिल्कुल अटैच कर दूंगी। तो दोस्तों देखिए मैं ऊपर रख रही हूँ, थोड़ा मेरा इधर उधर चूड़ी गिर चुकी है, तो मैंने कटोरी के ऊपर बिल्कुल सेव कर दिया है। तो देखिए काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं घुमा के भी दिखाती हूँ, काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। तो दोस्तों इसमें चाबी का छल्ला हो गया, और भी आप इसमें काफ़ी सारे सामान इसमें अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। ज़्यादा होगा तो थोड़ा किनारे से इसमें टेप अटैच कर देंगे तो काफ़ी परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो भी मैंने बोतल में बनाया है, तो बिल्कुल भी गिरने का ये डर नहीं है। और तो देखिए आप इसमें कप भी हैंग कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के इसमें कप भी हैंग कर सकते हैं। और कितने तो इसमें खाली है, देखिए मैंने बड़ा भी कप इसमें अटैच कर दिया है, ये भी मैंने कटोरी पर सेट करा है, तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा हमारा एक घर में ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, और मैंने इसमें पेंसिल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप इस तरह से पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को दुनिया कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि हमारी वीडियो कहां तक की पहुंच रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।